हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होंगी। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि शेक्सपियर को कैसे पढ़े और मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, उसी तरीके से मैं आपको अवक्रमबद्ध नोट्स देने जा रही हूँ। शेक्सपियर को स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट बना रही हूँ शेक्सपियर की। तो फर्स्ट जो मैंने किया था वो शेक्सपियर बायोग्राफी से स्टार्ट किया था, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन जो बायोग्राफी से आता है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये रट मारिए, शेक्सपियर का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर न्यू व्यूवर्स से फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस पे आए हैं तो आप उसको जो है ये करना ना भूले, क्या सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब बात करते हैं शेक्सपियर बायोग्राफी की। आप बात करते हैं 23 अप्रैल 1564, सबको इसकी एज का, इसकी डेट ऑफ बर्थ का रटी हुई है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। यानी 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का जन्म होता है। मैं देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। शेक्सपियर सो द लाइट एट स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। दो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर, स्किप करने से पहले देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं यहाँ से। एक कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करने वाली हूँ। बहुत जगह आपको बुक्स में अपॉन की जगह ओन मिलेगा, तो ओन और अपॉन के बीच में कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। तो बात करती हूँ मैं पहले शेक्सपियर सो द लाइट। तो यहाँ सो द लाइट का मतलब ये नहीं है कि उसने रोशनी देखी है, पूरा एक फ्रेज है डेली लाइन में हो गया। सो द लाइट का मतलब होता है जन्म लेना। अगर मैं यहाँ से द हटा दूँ सो लाइट, तो उसने इसका मतलब क्या, उसने एक लाइट देखी, प्रकाश देखा, इस तरह से आप कह सकते हैं। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप बिल्कुल गो थ्रू कर लो। जैसे मेरे लिटरेचर फिनिश होता है तो मैं ग्रामर पर भी कोशिश करूंगी, आर्टिकल को तब तक आप पढ़ डालीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत एक्सेप्शन केस आते हैं आर्टिकल में। तो शेक्सपियर ने जो जन्म लिया था वो स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में लिया था। अब ओन और अपॉन के अंतर में आगे बता रही हूँ आपको। और जो ये बैप्टाइज किए गए थे होली ट्रिनिटी चर्च, दोनों चीज़ को आप रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब जो बैप्टाइज किए गए थे 26 अप्रैल को, और उस चर्च का नाम क्या था, होली ट्रिनिटी चर्च। अब ये बैप्टाइज क्या होता है, एक तरह से एक रस्म होती है कि जब जो क्रिश्चियन होते हैं, बच्चे के जन्म होने के 3 दिन बाद उसको नेम दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको एज ए क्रिश्चियन के रूप में। तो जो प्रक्रिया होती है, उनको जल वल पानी वानी जैसे भी करते हैं, वो उनकी प्रक्रिया वो बैप्टाइज कहलाती है। अब मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन जो क्लियर करती हूँ, स्टेटफोर्ड अपॉन एवन इज द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी जो स्टेटफोर्ड ऑन एवन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, और अपॉन एवन क्या है, वो एक टाउन है। अगर एग्जाम में अपॉन नहीं आया है, ऑन है, तो ये सही है। अगर दोनों आ गए तब ध्यान रखना, अगर दोनों आते हैं तो आप अपॉन वाले को राइट करेंगे। बहुत सारी बुक में कहीं ऑन दिया हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं खुद बहुत कंफ्यूज रही थी, और कहीं अपॉन रहता है, और एक जगह ऑप्शन में दोनों आए हुए थे। तो ध्यान रखना अपॉन एवन आप करोगे, अगर अलग अलग दिया है, अपॉन दिया है तो आप अपॉन कर दोगे, ऑन दिया है तो ऑन कर देंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट था, और अपॉन जो है वो क्या था, टाउन, और एवन जो है वहाँ की एक रिवर है, रिवर के पास ये जगह बसी हुई है, इसलिए एवन के नाम से होता है, एवन एक रिवर है। अब बात करते हैं फादर, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनका। जॉन शेक्सपियर उनके फादर का नाम था, जो ट्रेड करते थे, ट्रेडर थे, कॉर्न मीट लेदर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन एक बार यहाँ से आया हुआ है कि किस चीज़ में वो ट्रेडिंग करते थे। तो फादर जॉन शेक्सपियर और ट्रेडर इन कॉर्न मीट लेदर। देखो मैं जिस तरह से अपने नोट्स बनाने का मेरा एक तरीका है, जिस तरह से अपने नोट्स बनाए थे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बस टाइप करके दे रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे नोट्स के लिए पूछा था। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्लीज़ नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इसलिए मैं यहाँ पर पीडीएफ दे रही हूँ, जो आप यहाँ से आप तो ये करा सकते हैं कि आप स्क्रीन सोर्स ले सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, जो जो मैं बता रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा, इससे बाहर अगर आप क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ले लीजिए, अदरवाइज बायो ज्योग्राफी है शेक्सपियर की वो उसमें कंप्लीट हो जाए, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका। मदर थी उनकी मैरी एडन, आप शेक्सपियर का कोई भी क्वेश्चन जो नहीं छोड़ेंगे, फादर और मदर क्लियर रखेंगे। 1571 में शेक्सपियर सेंट टू द स्कूल ग्रामर स्कूल, ग्रामर स्कूल, आप ये द ग्रामर स्कूल है, इस स्कूल का नाम लर्न कर लीजिएगा कि ग्रामर, द ग्रामर स्कूल में शेक्सपियर भेजे गए थे पढ़ने के लिए। लेकिन 14 ईयर्स की एज में बिकॉज ऑफ पॉवर्टी जो है वे स्कूल उन्हें छोड़ना पड़ता है। 28 नवंबर 1582 अब मैरिज करते हैं किससे, एन हैथवे से, जो उनसे 8 ईयर्स ओल्ड होती है, सीनियर होती है, उनसे बड़ी होती है, जो उनसे शादी करते हैं। और आफ्टर 6 मंथ ही उनकी शादी के 6 मंथ ही उनको एक लड़की हो जाती है, जिनका नाम सुजैना था।
तो 1583 यानी आफ्टर 6 मंथ ही उनको एक बेटी होती है। और फिर आफ्टर 2 ईयर्स ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, हेमनेट सन होता है और जूडिट डॉटर होती है। एक हेमलेट है, इनका वर्क है, ये हेमलेट नहीं हेमनेट है, NET, ध्यान रखेंगे, सन है और जूडिट उनकी डॉटर, यानी दो बेटी हो जाती है उनको और एक बेटा हो जाता है। और फिर मैं थोड़ा सा इनके बता दूँ, सुजैना जो शादी करती है वो जॉन हॉल से करती है जो एक फिजिशियन है थे, और जूडिट जो शादी करती है वो थॉमस क्वीनी से करते हैं। 1587 चूँकि इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, फैमिली हो जाती है तो क्या होता है कि उसे वहाँ से भागना होता है, जाना होता है। दो ही रीज़न थे, एक तो रीज़न वही था पॉवर्टी, और दूसरा मेन रीज़न जो होता है उसे घर छोड़ने का, जो उन्होंने छोड़ा था वो क्या रीज़न था कि ही मूव टू लंदन इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम ऑफ डियर स्टीलिंग। क्या होता है कि उनके पास एक एक्यूज़ किया जाता है कि उन्होंने हिरन चुराया है, और उस चार्ज से बचने के लिए वो लंदन मूव कर जाते हैं 1587 में। देखिए आप चीज ध्यान देंगे, मैं आपको बिल्कुल जो ईयर वाइज है ना वो उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाए हैं मैंने, 1585, 1587 सब कुछ इसी तरह से आप करोगे ना तो सारी चीज़ें आपकी लर्न हो जाएगी। अब बात करते हैं जो चार्ज लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, कि किनके फॉर्म से जो है वो डियर चुराया गया था, वो लूसी फैमिली से था। तो ये वर्ड भी याद रखेंगे आप, लूसी फैमिली ही जॉइन चैम्बरलेन थियरिटिकल कंपनी जो जानी जाती थी बारबेज कंपनी प्लेयर। ये इम्पोर्टेंट है कि उसने कौन सा थियरिटिकल कंपनी ज्वाइन की थी और उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, बारबेज कंपनी प्लेयर। 1592 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो उन्होंने वर्क किया एज एन एक्टर, जो शेक्सपियर था, शेक्सपियर ने 1592 एज एन एक्टर स्टार्ट किया था, राइटर नहीं किया था, जो उन्होंने अपना काम शुरू किया वो एज एक्टर स्टार्ट किया था। और बाय चांस क्या होता है, 1592 से 94 ही थिएटर क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दो साल के दौरान प्लेग बहुत फैला था, अब एक्टिंग करने के लिए समय रहा नहीं, लेकिन उन्होंने उस टाइम को अपना खोया नहीं और उन्होंने अपनी राइटिंग में वो टाइम लगा दिया। 1595 वही चीज़ मैं आपसे कहती हूँ, कोई भी अगर हमारे जीवन में कोई आपदा आती है ना, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो साथ साथ में वो कोई सोल्यूशन भी लाती है। हो सकता है कि आपके अंदर कोई दबी हुई प्रतिभा होती है वो निकलनी होती है, और नॉर्मली हम दिनों में उसको दबाए रखते हैं, तो कभी कभी हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए। तो 1594 में क्या होता है, ही वॉज द चार्टर मेंबर ऑफ द चैम्बरलेंस मैन, तो मेंबर बन जाता है किसका, चैम्बरलेंस मैन का, जो बाद में इसका नाम हो जाता है किंग्स मैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं यहाँ पर। और जो कि देखिए 1594 में मेंबर बनता है और चैम्बरलेंस का नाम बदल जाता है 1603 में। ये आप वन लाइन, आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में पढ़ेंगे ना, MCQs में बार बार आएंगे, आप इन क्वेश्चन को तो वन लाइनर बनाकर ही रट डालिए, इन्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको TGT और PGT दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। 1596 उसका जो अकेला लड़का था वो मर जाता है। और 1597 आप देखिए शेक्सपियर के जीवन में कितनी कठिनाई आई, क्योंकि उनका अकेला बेटा उनको छोड़कर चला जाता है, लेकिन सारे मोस्टली वर्क जो उसने लिखे हैं उसके अपने बेटे की डेथ के बाद ही लिखे हैं। ही बोट हिज हाउस एट स्टार्टफोर्ड नेम्ड न्यू प्लेस, न्यू प्लेस के नाम से उसने अपना घर खरीदा अपने बेटे के एक साल डेथ के बाद। और जो आजकल म्यूजियम है स्टार्टफोर्ड एवन जो है ना, आज का मतलब एक तरह से मान के चलो हिस्टोरिकल प्लेस है लंदन में, वहाँ आज भी बहुत भीड़ लगती है। 1598 शेक्सपियर एक्टेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। 1598 में शेक्सपियर ने बेन जॉनसन का फेमस वर्क था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसमें काम किया था, एक्ट किया था, वहाँ पर एक्टिंग की थी। 1592 में वो स्टार्टिंग करता है एक्टिंग, और 98 में बेन जॉनसन का जो वर्क था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वो वहाँ पर वर्क करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1599 ही शेयर्ड ग्लोब थिएटर। अब मैं हर क्वेश्चन को बार बार ये कहते जा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मतलब बायोग्राफी उसकी इंपॉर्टेंट है। 1599 में आप देख रहे होंगे ना बिल्कुल क्रम तरीके से, मैंने आपको बड़े छांट छांट के मैंने ये नोट्स बनाए थे अलग अलग बुक से लेकर, कई कई बार रफ पेपर में मैंने बनाए जो क्वेश्चन जहाँ से मिले, फिर उनको मैंने एक ईयर वाइज किए थे और वही मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि जब हमारी सक्सेस होती है ना, हमारे पेरेंट्स तो खुश इसलिए होते हैं कि उनको एक लगाव होता है कि नहीं हमारे बच्चे कामयाब हो गए, लेकिन बिना मतलब के जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो आपका टीचर होता है, आपका गुरु होता है, जो हमेशा
ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट हमसे आगे निकले, तो मैंने टीजीटी क्वालिफाई किया, तो आप जो है पीजीटी क्वालिफाई करें, नेट क्वालिफाई करें और आगे जाए, ये मेरी आप लोगों की दुआ है। और 1599 से लेकर 1600 तक उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले सोनेट से रिलेटेड, आप वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अब मैं क्रिएट कर रही हूँ शेक्सपियर की, क्योंकि शेक्सपियर बहुत बड़ा है, अलग अलग फिर वीडियोस नहीं मिलती। और 1601 उसके फादर मर जाते हैं, डाइड हो जाते हैं। 1608 में उनकी मदर की डेथ हो जाती है। और 20 मई 1609 को उनके जो सोनेट सिक्वेंस होते हैं पब्लिश होते हैं। देखिए उनके फादर मदर उनसे पहले मतलब डेथ हो जाती है और उनका सोनेट पब्लिश होते हैं 1609 में। ठीक है, अब बात करते हैं जो शेक्सपियर सोनेट सिक्वेंस एडिटेड किए गए थे थॉमस थोर्प में किए गए थे, जो मैंने सोनेट की एक वीडियो बनाई हुई है उसमें भी मैंने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1613 ग्लोब थिएटर कोर्ट फायर एंड बर्नड व्हाइल अ प्ले परफॉर्म नेम हेनरी VIII, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब थिएटर जिन्हें जब आग लगी तो कौन सा प्ले परफॉर्म्ड किया जा रहा था, ग्लोब थिएटर में आग कब लगी, तो इससे से क्वेश्चन है, तो वो है 1613 और हेनरी VIII, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ही रिटर्न टू स्टार्टफोर्ड फ्रॉम लंदन, वो लंदन से कहाँ आ जाता है, स्टार्टफोर्ड आ जाता है, अपने घर आ जाता है 1613 में ही, जब ग्लोब थिएटर जल जाता है। और 14 में ग्लोब थिएटर रिबिल्ड दोबारा बनाया जाता है। और 23 अप्रैल एक विशेष बात है कि 23 अप्रैल को उनका जन्म होता है, 23 अप्रैल को ही इनकी डेथ हो जाती है। 1616 इनकी ईयर होता है, उनमें उनकी होती है 52 एज होती है तब उनकी। और कहाँ ब्रीड किया जाता है, चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी जो कि पेरिस चर्च के नाम से भी है, और स्टार्टफोर्ड में ही चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी में ही इनको बैप्टाइज किया जाता है, वहीं इनको ये जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 25 मार्च यानी अपनी डेथ से पहले ही, लगभग एक महीना पहले ही, वो अपनी क्या है विल को ड्राफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जूडिथ को ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उनके पास रिलेवेंट नहीं थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये शेक्सपियर बायोग्राफी के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रख लीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। बाय।